सदस्यता अभियान प्रारंभ करेगी यूपी में बीजेपी। सदस्यता अभियान के तहत अभियान होगा शुरू। 21 नवंबर से बूथ सदस्यता अभियान शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21, 27 और 28 तारीख को शुरू होगा ये कार्यक्रम। बूथ सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे मौजूद। बूथ सदस्यता अभियान प्रारंभ करेगी यूपी में बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, सदस्यता अभियान के तहत अभियान होगा शुरू। 21 नवंबर से बूथ सदस्यता अभियान होगा शुरू। 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। बूथ सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। बूथ सदस्यता अभियान प्रारंभ करेगी यूपी में बीजेपी। सदस्यता अभियान के तहत अभियान होगा शुरू। 21 नवंबर से बूथ सदस्यता अभियान शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। बूथ सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी रहेंगे मौजूद। बूथ सदस्यता अभियान प्रारंभ करेगी यूपी में बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, सदस्यता अभियान के तहत अभियान होगा शुरू। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस महकमे में होंगे तबादले। उपनिरीक्षक से लेकर डीजी स्तर तक के अधिकारी रहेंगे शामिल। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले की प्रक्रिया होगी पूरी। कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले जा सकते हैं। मानवाधिकार आयोग में डीजी के पद जल्द भरने की उम्मीद। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां कई तबादले होने की संभावना जताई जा रही है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस महकमे में होंगे तबादले। उपनिरीक्षक से लेकर डीजी स्तर तक के अधिकारी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले की प्रक्रिया होगी शुरू। कई जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले जा सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, मानवाधिकार आयोग में डीजी के पद जल्द भरने की उम्मीद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस महकमे में होंगे तबादले। इस वक्त की बड़ी खबर, गौवंश काटते हुए युवक गिरफ्तार। बदायूं से बड़ी खबर, कब्जे से प्रतिबंधित मांस पूंछ बरामद। मौके से फरार हुए 5 आरोपी। पशु चिकित्सा अधिकारी ने कराई सैंपलिंग। आलापुर थाना के अली नगला का मामला, गौवंश काटते हुए युवक गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कब्जे से प्रतिबंधित मांस और पूंछ बरामद। मौके से फरार हुए 5 आरोपी। पशु चिकित्सा अधिकारी ने कराई सैंपलिंग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आलापुर थाना के अली नगला का मामला। बताइए उससे बड़ी खबर, गौवंश काटते हुए युवक गिरफ्तार। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गौवंशों को काटने पर और उनके ऊपर अत्याचार करने पर सख्त रोक लगाई जा रही है, उसके बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।